वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एज़ वी आर गोइंग थ्रू विद द पेंडेमिक ऑफ COVID-19, सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह तीन सेक्शंस को कवर करेंगे, यानी होम्योस्टेसिस की तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर होम्योस्टेसिस हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर देखेंगे, फिर अडाप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो इस टॉपिक के अंदर जो है हम ब्रीफली होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम स्टडी करेंगे जी होम्योस्टेसिस की टाइप्स और इसके साथ इसके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं डिफरेंट तरह के, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्टली होम्योस्टेसिस होती क्या है, हम इसे डिफ़ाइन करते हैं कि होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज़्म है जिसमें जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है बॉडी के फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी हमारे माहौल के अंदर, बैरूनी माहौल के अंदर, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस के बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना विद इन अ नैरो रेंज, दिस इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। सो मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स जो कि हम होम्योस्टेसिस में मेंटेन करते हैं, उनके अंदर इंक्लूड करते हैं जी हम टेम्परेचर को, ब्लड पीएच को, इसी तरह से ब्लड शुगर की बात करते हैं, इसी तरह से वाटर बैलेंस की, ब्लड प्रेशर की, और इसी तरह से आयंस के बैलेंस की। ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो कि हम होम्योस्टेसिस के अंदर जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस एक बेसिक जो है वो प्रोसीजर है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर होम्योस्टेसिस जो है वो नहीं होती तो हम कहते हैं कि जी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट इज़ अ बेसिक मैकेनिज्म जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि जी लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो ये कि जी होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि एक कॉन्स्टेंट रेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो लाइक हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल 37 होता है, तो ये 37 नहीं है। ठीक है, ये एक नैरो रेंज के अंदर होता है एंड दिस नैरो रेंज इंक्लूड्स द टेम्परेचर इन बिटवीन, लाइक कह सकते हैं कि 36.8 के प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 37.3 तक जा सकता है और इसी तरह से 36.3 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एक नैरो रेंज है टेम्परेचर की जिसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये है जी होम्योस्टेसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद हम इसके अंदर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। फर्स्टली इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट इज़ एक्चुअली सराउंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, यानी कोई भी शख्स, कोई भी जानवर या कोई प्लांट अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक या एक टेस्ट सब्सटेंस जो होती है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ पड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं, दो तरह का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी जो कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर होता है, और इसी तरह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर है इन्वायरमेंट। ठीक, मसलन कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड बोर्ड जो है वो। ठीक है, सो ये जो है ये एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। ठीक, तो हम अब बात कर लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी फिर दो तरह का इन्वायरमेंट आ जाता है ना, एक सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और इसी तरह से दूसरा इन्वायरमेंट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर, हम इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर नैरो रेंज के अंदर चेंज लेके आते हैं, जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर का अगर टेम्परेचर पाकिस्तान के कुछ रीजन्स के अंदर अगर 50 के अराउंड बोर्ड भी चला जाता है, तो इसके बावजूद जो है हम इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो रखते हैं। सो दिस इज़ होम्योस्टेसिस। तो हमने बात की इन्वायरमेंट दो तरह का है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट इज़ ये एक बुक लाइन मैंने उठाई है,
टेक्स्ट बुक की लाइन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा जो जिनके अंदर चेंजेस आती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से, सो दैट इज़ वाटर, सोल्यूट्स एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, यानी मिसाल के तौर पर अगर जो है ये वाटर है या सोल्यूट्स हैं या टेम्परेचर है, इनके अंदर ये ज़्यादा ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, जो फ्लक्चुएट हो जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से। ठीक, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, ब्रीफली हम यहाँ पे पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस की तीनों टाइप्स को। तीन टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमने 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। फर्स्टली ओस्मो रेगुलेशन, सेकेंडली जो है ये थर्मो रेगुलेशन, एंड थर्डली एक्सक्रीशन। ठीक है जी, सो ये तीन तरह की टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन की। सो ओस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं कि ये मेंटेनेंस है हमारी बॉडी के इंटरनल सोल्यूट्स एंड वाटर कंपोनेंट्स की, यानी इंटरनल सोल्यूट्स एंड वाटर कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, सो इसमें इसके लिए जो है वो डिफरेंट तरह की बॉडी ने अडॉप्टेशंस की होती हैं। अगर वो अबंडेंट सप्लाई में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसके लिए डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशंस हैं। अगर सप्लाई जो है वो अबंडेंट नहीं है, कम सप्लाई के अंदर रहता है, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशंस। तो डिपेंड करता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक, सो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया कि वाटर एक्सचेंज को, यानी वाटर एक्सचेंज किया जाता है, यानी वाटर रेगुलेशन की जाती है, और साल्ट्स के लिए जो है वो रेगुलेशन की जाती है। ठीक है, सो वाटर रेगुलेशन एंड साल्ट रेगुलेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एज इट्स नेम इंडिकेट्स दैट इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ थर्म। थर्म मीन टेम्परेचर। ठीक, सो टेम्परेचर की रेगुलेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। सही जी, तो हम कहते हैं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना या एक नैरो रेंज के अंदर रखना, बाहर जितनी भी फ्लक्चुएशन आ जाए या बाहर जितनी भी चेंज आ जाए, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना चाहिए नैरो रेंज के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। ठीक, और इसके लिए भी फिर बॉडी ने डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए होते हैं। अगर वो इंडिविजुअल जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर रहता है तो उस तरह के जानदारों ने जो है वो मुख्तलिफ तरह की अडॉप्टेशंस की होती हैं। इसी तरह से दूसरे जो जानदार जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ के जानदारों ने और तरह की अडॉप्टेशंस की होती हैं। तो ये अडॉप्टेशंस जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम कहते हैं जी वो प्रोसेस जिसके अंदर हम बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस वेस्ट बनते कैसे हैं बॉडी के अंदर, ये बनते हैं जी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको बॉडी से निकालने का प्रोसेस जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक, अब ये हमने तीनों टाइप्स इसकी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि हम होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कैसे करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होम्योस्टेसिस, तो सिंपली हम बात करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए हम जो है वो इसको होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते होते हैं। ठीक है, अब ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है मोस्ट प्रोबेबली ये नेगेटिव फीडबैक, हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए जो है ये इसे कंट्रोल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जो हैं ज़्यादा पानी पी लेते हैं या हमारी ब्लड के अंदर जो है वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो है कुछ रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं या जिनको हम डिटेक्टर बोलते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि जी बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो फिर जो है वो ज़्यादा पानी को जो है वो बॉडी से निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, इसी तरह से अगर वाटर पोटेंशियल बॉडी के अंदर कम हो तो फिर पानी को जो है वो बॉडी से कम निकाला जाता होता है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इज़ कि ये बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं
ठीक है, ये हमेशा एक ऑपोजिट इफेक्ट लेके आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी ज़्यादा पी लें ना, पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा कि अगर हम पानी ज़्यादा पी लेते थे या फिर वाटर पोटेंशियल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता था, तो ये डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करने के बाद उसे नॉर्मल पे वापस लेके आता था। ठीक है, यानी पानी ज़्यादा था तो उसे वापस लेके आया है। सही। सो हम कहते हैं कि जी ये हमेशा एक ऑपोजिट इफेक्ट देता है, इस वजह से हम इसे नेगेटिव फीडबैक बोल रहे हैं। ठीक है, सो अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, हम कहते हैं कि जी अगर कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और वो डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो सिस्टम को वापस बैक स्टेज के अंदर या उसकी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर जो है वो लेके आती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। ठीक है जी, यानी वो जो है वो नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस कहलाता है। सही। इसी तरह से जो है यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की कुछ और एग्जांपल ढूंढनी है और जो है एक असाइनमेंट की फॉर्म में सबमिट करवानी है। ठीक। सो नेक्स्ट इज़ के होम्योस्टेटिक जो कंट्रोल होता है उसकी अकरेंस किस तरह से होती है, या होम्योस्टेसिस को जो है वो कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स वो क्या हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एक चेंज को डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये एक चेंज होती है, दैट चेंज मे बी ब्रॉट अप बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई चेंज आती है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो फिर चेंज हो सकता होता है। ठीक है, सो उस चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं, यानी स्टिमुलस आया कोई, उस स्टिमुलस की वजह से बॉडी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी स्टिमुलस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए एक चीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज रिसेप्टर और सेंसर हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, रिसेप्टर बोलते हैं हम। ठीक है, ऑर्गन हो सकता है, सेल हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर एक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल सेंटर के ज़रिए लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल सेंटर के ज़रिए जो रेस्पॉन्स लाया जाता है दैट इज़ आल्सो अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो नेगेटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से जो है वो वापस कंट्रोल किया जाता है। तो हम देखते हैं जी इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स। फर्स्टली हम कहते हैं सेंसर है, ठीक है, जो कि सेंस करता है या रिसेप्टर बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इस सेंसर से जिसने डिटेक्ट किया किस चीज़ को, स्टिमुलस को, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन ली है कंट्रोल सेंटर ने। ठीक है, और फिर इसने अब क्या करना है, अब इसने कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है। ठीक है, और ये काम करने के लिए ये पैगाम भेजता है जी इफेक्टर को। इफेक्टर भी कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये इस इफेक्टर ने क्या काम करना है, इसने कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो करना है उस चेंज के अगेंस्ट। ठीक है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, ताकि बॉडी जो है वो अपनी दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे चले जाए। तो यही है ना होम्योस्टेसिस, के क्या होता है, कोई चेंज आती है, ठीक है, उस चेंज को फिर से नैरो रेंज के अंदर रखा जाता है, या बाहर चेंजेस आ रही हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो उन चेंजेस के बावजूद जो है इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज के अंदर रखना, ये कहलाता है जी होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इसकी मिसाल जो है ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के साथ दी जा सकती है। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके अंदर जो है ये तीन चीज़ें होती हैं, यही वाली, ठीक है, सेंसर होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है, और इफेक्टर होता है। जैसा कि आपकी बुक ने भी डिस्कस किया है इस चीज़ को, कि थर्मोमीटर की एग्जांपल ली जा सकती है, उसमें सेंसर जो है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, और फिर कंट्रोल सेंटर के पास एक्शन लेने के लिए जो है वो सिग्नल कर देता है उसे। ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्शन करता है। ठीक है, वो फिर कूलिंग या इसी तरह से हीटअप यूनिट को पैगाम भेजता है कि जी आप इसको हीटअप कर दो या कूल डाउन कर दो। ठीक है, तो वो उसी तरह से वो चेंज के अगेंस्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो जिस तरह से फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये सेम
चीज़ पाई जाती है। ठीक है, होता ये है कि एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का कुछ एनिमल्स के अंदर, जिनको हम एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएट, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना या इसके अकॉर्डिंग जो है एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना, ठीक है, इसके अंदर जो है ये कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी के आउटसाइड जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो या फिर इसी तरह से डिक्रीज़ करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं यानी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं टेम्परेचर के लिए, वो डिटेक्ट करते हैं उस चेंज को। ठीक है, ये डिक्रीज़ की हो या चाहे इंक्रीज़ की हो, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और फिर कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा जाता है, सिग्नल किया जाता है कि जी आप कोई एक्शन लें। ठीक है, आप चाहे तो कोई कूलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दें अगर तो टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है, ठीक है, तो ताकि टेम्परेचर बॉडी का तो एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करना है ना, तो इसी तरह से अगर बॉडी अगर बाहर जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो है हीट अप सिस्टम जो है वो जनरेट कर दिया जाता होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये सेटअप पाया जाता है। तो ये भी एक लाइक एक इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है कि जो के इन्वर्स कर रहा है, ठीक है, जो के एक ऑपोजिट चेंज लेके आ रहा है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जी एक इन्वर्स इफेक्ट रेस्पॉन्स जो होता है, नेगेटिव फीडबैक को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, एक इन्वर्स इफेक्टर रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, यानी फैक्टर का जो इन्वर्स रेस्पॉन्स होता है चेंज के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज के लिए, मसलन टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी के अंदर कूलिंग यूनिट जो है वो एक्टिव हो गए, और अगर बाहरी टेम्परेचर कम हुआ तो बॉडी के अंदर जो है हीटिंग यूनिट जो है वो एक्टिव हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि ये जो है ये ओपोजिट रेस्पॉन्स है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं जी नेगेटिव फीडबैक। ठीक हो गया, सो होप सो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस को, होम्योस्टेसिस की तीनों टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें कंट्रोल सेंटर को डिस्कस किया है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर के अंदर हमने देखा है कि कंट्रोल सेंटर जो है ये बॉडी के अंदर जो चेंज है, बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएशन हैं इनको नैरो रेंज के अंदर करता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन जो होती हैं, चेंजेस जो आती हैं वो वाइड रेंज के अंदर आती हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं वो एक नैरो रेंज के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, और फिर बॉडी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह का एनवायरनमेंट है ना, एक इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट यानी सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, मसलन ये जो है ये सेल के बाहर वाला पोर्शन है तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नैरो रेंज के अंदर चेंज आती है, लेकिन यहाँ पे उससे भी कम रेंज के अंदर जो है वो चेंज आती होती है। ठीक है, सो ये था जी इसके बारे में होम्योस्टेसिस और इसके कंट्रोल सेंटर के बारे में। ठीक हो गया, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में एक दो और चीज़ें हैं कि देखें, सबसे पहले स्टिमुलस आता है जो कि चेंज लेके आता है ना, स्टिमुलस होती ही एक चेंज है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस से इम्बैलेंस की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो रिसेप्टर ने फौरन जो है इसे डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इस चेंज को जो कि इसे बैलेंस स्टेट से इम्बैलेंस की तरफ लेके जा रही थी। ठीक है, तो रिसेप्टर ने क्या किया, इसको सेंस कर लिया। ठीक है, डिटेक्ट कर लिया इस चेंज को। ठीक हो गया, तो फिर इसने इनपुट की फॉर्म में, ठीक है, एफिरेंट पाथवे के ज़रिए, ठीक है, मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को। एफिरेंट पाथवे क्या होता है, वो पाथवे जो सिग्नल को लेके जा रहा होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर की तरफ। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर फिर क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन लेता है। ठीक है, अब वो एक्शन लेने के बाद वो इफरेंट पाथवे के ज़रिए जो है वो इफेक्टर तक वो सिग्नल लेके जाता है। ठीक है, या सिग्नल भेजता है। ठीक है, और ये इफरेंट पाथवे क्या होता है, वो पाथवे जो कंट्रोल सेंटर से सिग्नल को पकड़ के इफेक्टर की तरफ लेके आता है। ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है वो ये लेके जाता है। ठीक है, अब इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर मिसाल के तौर पर हमारी बोन्स हैं या मसल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसके मुताबिक जो कि कंट्रोल सेंटर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, उस मैसेज के मुताबिक अब इन्होंने रेस्पॉन्स जनरेट किया और बॉडी जो है वो दोबारा से बैलेंस्ड स्टेट की तरफ आ गई वापस। ठीक हो गया, सो इम्बैलेंस से बचाना और बैलेंस्ड स्टेट पे रखना, दिस इज़ कॉल्ड एज
होम्योस्टेसिस, ठीक है। और ये होम्योस्टेसिस जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, और फीडबैक के अंदर भी प्रिंसिपली अगर हम बात करें तो नेगेटिव फीडबैक आता है। ठीक हो गया जी, अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप लोग जो है वो मज़ीद पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आखिर पे आप लोगों के लिए एक आयत रखी है कुरान पाक की, सूरह बकरा की आयत है, ठीक है। आयत नंबर 1 और 2 हैं। पहले नंबर पे तो है अलिफ लाम मीम, ठीक है, पहली आयत है। तो इसके अंदर अलिफ लाम मीम के अंदर जो है हमें इसका मतलब नहीं पता, और अल्लाह ताला ने हमें बताया भी नहीं, अगर ज़रूरत होती तो हमें बता दिया जाता। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिसका मतलब जो है वो अल्लाह ताला को ही पता है। दूसरी आयत के अंदर जो है अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है कि ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, ठीक है, कोई भी शक नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें हदायत है डरने वालों के लिए, यानी जो लोग डरते हैं, जो लोग यकीन रखते हैं, जो जिन लोगों का ईमान है उनके लिए इसके अंदर जो है वो कोई शक नहीं है इस किताब के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो हदायत मौजूद है डरने वालों के लिए। ठीक हो गया जी, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओस्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली।